आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। अभी आप सभी लोगों को एक और खुशखबरी दे दूं कि आप सभी लोगों का जो काउंसलिंग की तिथि है, जो काउंसलिंग का शेड्यूल है कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट होंगे, कब आपका मेरिट लिस्ट आएगा, कब आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, इसके रिगार्डिंग जो है बोर्ड ने जो है शेड्यूल जो है जारी कर दिया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर एक शेड्यूल दिख रहा होगा, यही शेड्यूल जो है आपको दिख रहा होगा कि किस दिन जो है क्या करना है। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया है। अभी हम जो है उसी के ऊपर बात करेंगे, काउंसलिंग के ऊपर कि किस दिन जो है आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी बता दूं कि आपकी जो काउंसलिंग की तिथि है वो आपके 21 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक स्टार्ट है। मतलब कि आपके 21 अक्टूबर से काउंसलिंग स्टार्ट होगी और 28 अक्टूबर तक जो है ये चलेगी। तो ये 7 या 8 दिन जो आपको मिल रहे हैं, सभी बच्चे जो है इसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। जैसे पोर्टल खुलती है वैसे आप सभी लोगों को काउंसलिंग करने के तरीके और कॉलेज चुनने के तरीके को बताए जाएंगे। मेरी बात आपको समझेंगे। देखिए, तो आवेदन की तिथि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आवेदन की तिथि जो है आपको 21 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक है। मतलब कि आपके काउंसलिंग की तिथि जारी हो चुकी है 21 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक आपके जो है काउंसलिंग होंगे। प्रथम चयन सूची जारी होने की तिथि, जब आपने काउंसलिंग कर दिया तो आपका प्रथम मेरिट लिस्ट आएगा, जिन बच्चों का नाम आ जाएगा उनका प्रथम चयन में, उनका तिथि क्या है, 9/11/2022। मतलब कि 9 नवंबर 2022 को जो है प्रथम सूची जारी होगी जिन बच्चों का बेहतर रैंक होगा। मेरी बात को समझिएगा, समझ गए। आपका काउंसलिंग 21 से लेकर 28 अक्टूबर तक चलेगा और प्रथम मेरिट लिस्ट या प्रथम चयन सूची जो है जारी होगा कब, 9 नवंबर 2022 को। और नामांकन की अवधि, जो प्रथम मेरिट आ जाएगा, जो लिस्ट आ जाएगा जिन बच्चों का, उनका नामांकन जो होगा 10 से लेकर 16 नवंबर तक, 10 से लेकर 16 नवंबर तक उन बच्चों का क्या होगा, नामांकन होगा। समझिएगा बात को। फिर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अर्धांतन किया जाना, मतलब कि जिन बच्चों का 10 से लेकर 16 नवंबर के बीच में एडमिशन होगा फर्स्ट चयन सूची के आधार पर, उन बच्चों को 17 नवंबर 2022 को जो है उनका जिस कॉलेज में एडमिशन होगा उस कॉलेज के पोर्टल पर जो है उनका नाम चढ़ा दिया जाएगा कि हाँ इस बच्चों ने एडमिशन ले लिया, या जिनका जिनका एडमिशन लेना होगा वो ले लेंगे। एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूँ, देखिए, अगर विद्यार्थी द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या है, वो आपका जो है 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर है। जो आपका फर्स्ट लिस्ट आएगा, जो फर्स्ट चयन सूची आएगा, उसके आधार पर जो एडमिशन होंगे 10 नवंबर से लेकर आपके 16 नवंबर तक, और आपके 17 नवंबर को जो है पोर्टल पर आपका नाम चढ़ा दिया जाएगा कि इन बच्चों ने एडमिशन ले लिया। लेकिन एक और यहाँ पर स्लाइड अप की बात की जा रही है, स्लाइड अप को समझने के लिए आप प्रयास करेंगे। देखिए, स्लाइड अप क्या होता है, मान ले कि 10 कॉलेज है और आपके घर के पास एक कॉलेज है, लेकिन आपका कॉलेज जो है घर से 100 किलोमीटर दूर मिल गया, तो आप चाहते हैं कि मुझे नजदीक कोई कॉलेज मिले तो आप स्लाइड अप कर सकते हैं, या कोई कॉलेज अच्छा नहीं है, मुझे मन है कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, तब जो है वहां पर आप स्लाइड अप कर सकते हैं। स्लाइड अप कहने का अर्थ होता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे दूसरे सूची में जो है दूसरा कॉलेज आवंटित करे। और स्लाइड अप करने की प्रक्रिया कुछ नहीं होती है, बस यस नो का ऑप्शन आता है, अगर यस करते हैं तो आपका स्लाइड अप हो जाएगा, नो करेंगे मतलब कि आप इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया आएगी, रिजल्ट आएगी, जो जो चीजें जरूरी होगी वो सारी चीजें हमारे द्वारा बताई जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर हूं, समझ गए। तो स्लाइड अप वही बच्चे करेंगे जिनको मनपसंद कॉलेज ना मिले, जिनको कॉलेज मिले, वो चाहते हैं कि मुझे नजदीक कॉलेज मिले तो स्लाइड अप कर सकते हैं। की बात क्या होगा कि जिन विद्यार्थियों का चयन जो है प्रथम सूची में नहीं होता है या कहीं भी नहीं होता है, तो उनके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्वों के विकल्प में परिवर्तन करने की जो तिथि है वो आपका 17 नवंबर से लेकर 18 नवंबर है। मतलब फर्स्ट जो आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आपका 21 अक्टूबर से लेकर आपके 28 अक्टूबर तक चलेंगे, उसका रिजल्ट जो है आपको 9 नवंबर को प्रकाशित होगा, और 10 नवंबर से लेकर आपका 16 नवंबर तक आपका फर्स्ट चयन सूची का एडमिशन होगा। और इसी बीच जो है जिन बच्चों को मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा वह 10 नवंबर से ही लेकर 16 नवंबर के बीच में जो है स्लाइड अप कर सकते हैं, मतलब कि वो दूसरे सूची के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम बात कर ले 17 नवंबर को जो है आपका क्या होगा कि नाम जो है पोर्टल पर चढ़ा दिया जाएगा कॉलेज के पोर्टल पर। फिर हम बात कर ले कि जिन बच्चों का प्रथम चयन सूची में नाम नहीं आता है या प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो उनके लिए जो है
फिर आपका विकल्प खुलेगा 17 नवंबर से लेकर 18 नवंबर दो दिन खुलेगा। इस बीच में जो है आप जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो परिवर्तन कर सकते हैं, कॉलेज चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर इसका जो द्वितीय सूची जारी होगा वो आपका 23 नवंबर को होगा, समझ गए। प्रथम सूची खत्म हो गया, द्वितीय सूची का जो तरीका, जो मतलब आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, फिर से चयन करने का ऑप्शन मिलेगा, वो 17 नवंबर से लेकर 18 नवंबर। और ये दूसरा चरण का जो रिजल्ट आएगा दूसरा सूची का, वो आपका आ जाएगा 23 नवंबर को। और फिर द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन की जो तिथि है वो आपका 24 से 25 है, दो दिन आपको नामांकन के लिए दिया जाएगा, 24 से 25, समझ जाइएगा। और तृतीय सूची जारी करने का जो तिथि है वो आपका 28 नवंबर है, 28 नवंबर को जो है आपका तृतीय सूची जारी होगा। और तृतीय सूची के आधार पर नामांकन अवधि जो है आपका 29 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में हो जाएंगे, मतलब कि अगले महीने के लास्ट तक सभी बच्चों का चयन हो जाएगा। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बातें कही गई है कि 2022 से 24 में एडमिशन के लिए प्रथम सूची में अगर सभी बच्चे चयनित हो जाते हैं और सीट खाली रहते हैं तो ही आपके द्वितीय और तृतीय जो आपका चयन सूची है वो जारी होगा, नहीं तो नहीं होगा, विकल्प रहने पर ही आपको जारी किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो ये आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया है, जो काउंसलिंग की डेट है, वो आपको समझ में आ गई होगी। जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी सारी जानकारी आपको बताई जाएगी, आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बिहार डीएलएड का नंबर वन चैनल जो कि आपके लिए हमेशा तत्पर है और हर क्लास, हर संभव, हर मदद आपको पहुंचाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।